कर्नाटक के जो है गवर्नर को दे रहे हैं, इसमें सच्चाई क्या है, इनकी इंक्वायरी बैठना चाहिए। इसकी इंक्वायरी ये जो संतोष पाटिल जो आत्महत्या कर रहे हैं, एक मासूम ने, ये जुल्म हुआ है कर्नाटक में, ऐसा जुल्म, एक ऐसे कई मासूमों पे जुल्म हो रहा है। ये जुल्म साहब क्या हुआ, जुल्म क्या, जुल्म क्या है कि एक टेंडर था, ये गुत्तेदारी थी, ये टेंडर में कुछ कमीशन पूछे इक्तेदारों ने, जो इक्तेदार में है, इलेक्टेड जो इक्तेदार है, उन्होंने इन्हें ज़बरदस्ती एक दबाव डाल के जो अपना परसेंट पूछे, परसेंट इतना ज़्यादा पूछे कि वो खुद मजबूर हो के आत्महत्या करे हो, एक सुसाइड करे हो, एक मासूम ने किया है। मैं कहता हूँ इंक्वायरी बिठाइए और इनको जेल में डालिए। एक आईना ये इस देश में आम आदमी पार्टी के जो हम पूरे यहाँ जमा होके गवर्नर को दे रहे हैं, ये बेंगलुरु का है, सब बेंगलुरु का है और बेंगलुरु का है, इसकी इंक्वायरी बैठना चाहिए। और ये एक मेरे ख्याल से ये मैं चाहना चाहता हूँ, ये आदमी शहीद हुआ है। अभी क्या करते थे पेशे से? वो पेशे से एक गुत्तेदार भी थे, एक पार्टी के कार्यकर्ता भी थे। नहीं 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 नहीं, हमारी पार्टी का ही, हम एक इंसानियत के नाते दे रहे हैं, आम आदमी पार्टी आपकी पार्टी के नाते, मगर आप इंसानियत, हम इंसानियत के नाते दे रहे हैं, हम पार्टी के नहीं है। ये देश में क्या है, इंसानियत बहुत बड़ी चीज है। हाँ, हमें कोई पार्टी से नहीं, मगर इंसानियत तो है आम आदमी, और आम आदमी जाग गई है इंसानियत के लिए। और इंक्वायरी बिठाना, जल्द से जल्द जेल में डालना इनको। इतना ही कहते हुए अल्लाह हाफिज, जय हिंद, जय कर्नाटक। आप जल्द से जल्द इसको, मैं गवर्नर को लिखे हैं, हम पूरे आम आदमी के बिदर से और से, जल्द से जल्द इंक्वायरी बिठाना, अंदर डालना बस। देखो 3 दिवस आम आदमी पक्षद कार्यकर्ता सेरकोंडे ಏನು ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ನಾವು ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಾಗಿನಿಂದ, ಇದು ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇದು 40% ಸರ್ಕಾರ, ಇದು ಟೋಟಲಿ ಜನರ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಸರ್ಕಾರ ಇಲ್ಲ, ಕಮಿಷನ್ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ ಟೋಟಲಿ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರು, ಎಲ್ಲ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಂಬರ್ 1 ಭ್ರಷ್ಟ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೂಡಲೇ ಈ ಈಶ್ವರಪ್ಪನ ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕು, ಸಂತೋಷ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಂತೋಷ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಡೀ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಬಂದ್ ಕರೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದು ನಮ್ಮ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಆಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಏ ಪೂರಾ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇಲೆ ಚಲ್ ರೇ, ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇ ಐಸಾ ಹೋಗ ಲೋಗ ಜಿಂದಗಿ ಕರ್ನಾ ಕ್ಯಾ ಫಾಸಿ ಡಾಲ್ಲೆಕ್ಕೆ ಮರಣಾ ಬೋಲ್ಕೆ ಐಸಾ ಟಾರ್ಚರ್ ಕರ್ರೆ. ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿ ಸಭೆ ಜಗ ಉಠೇಂಗೆ? ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿ ಪೂರಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇ ಉಠಾ ರೇ. आज कल आज सुबह में भालकी में दिए, आज बिदर में दिए, आल कर्नाटक में, और कल दे रहे. अगर से हमारे को इंसाफ नहीं मिलेगा बोले तो उनको इंसाफ मिलना, उनके घर वाले को गवर्नमेंट नौकरी देना, और उनको नौकरी नहीं देने तक हम होराटा करते कंपस है. जहाँ तक है पहुँचाना वहाँ तक पहुँचाते, ये ईश्वरप्पा को राजीनामे लेने तक नहीं छोड़ते हम. ये हम आज बिदर से चेतावनी देते, चेतावनी दे के आज आग्रह करते हम, ये ईश्वरप्पा राजीनामे दे नहीं देने तक हम होराटा कंटिन्यू रखते, और ऐसी तरह अगर से नहीं करे तो बीदर बंद कर देते. थैंक यू. ना वो राज्यपाल ज्ञापन को अब गुत्तेदार संतोष पाटील सवे और यारे कारण स्वच्छ नीट इन्वेस्टिगेशन बिहाइंड दि बार ಅವರಿಗೆ ಜೈಲಿಗೆ ತಳ್ಳಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಈ ಮುಖಾಂತರ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ.